अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फाइन। वेलकम टू आईएससीएस मॉन्टेसरी स्कूल सिस्टम। टुडे आवर 37 लेक्चर अबाउट इंग्लिश एंड यू नो व्हाट वी लर्न साउंड्स। सो आई होप सो यू हैव अ गुड अंडरस्टूड। सो लेट्स स्टार्ट टुडे आवर लेक्चर। एट फर्स्ट वी रिपीट आवर प्रीवियस लेसन। So, who tell me what is our previous lesson? Our previous lesson, a, b, repeat with me, a, b, k, d, a, f, g, h, e, d, ka and il. And today we will learn almost sounds, that sound of m, na, a, pa, ka and ra. Okay ji, so let's start. At first we will learn the sound of m. इसको हम भी बोलेंगे और हल्की सी आवाज़ अगर हम निकालें तो माँ की आवाज़ निकलेगी। ठीक है जी। सो एम माउंटेन, इसको हम यूं भी पढ़ेंगे, एम मा माउंटेन। ओके, एम मा मैप, एम मास्क। अगेन रिपीट विद मी, एम माउंटेन, एम मैप, एम मास्क। द नेक्स्ट वर्ड इज एन एंड द साउंड इज ना। कौन से लफ्ज़ हैं जो एन से बनते हैं और कौन से वर्ड्स हैं, कौन सी वोकैबुलरी है जो ना से बनती है? लफ्ज़ हमारा एक ही है, बस इसको पढ़ने का तरीका अलग है। इसको हम पढ़ेंगे, दिस इज अ अल्फ़ाबेट एन एंड दिस इज अ साउंड ऑफ ना। एन ना निप, एन ना नेस्ट, एन ना नेट। आप इस चीज़ को नोट कर रहे होंगे, अगर बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ पेरेंट्स आप खुद उनको समझाएं कि हमने वो लफ्ज़ लेना होता है। इट्स मीन के जब हम पढ़ते हैं, साउंड्स हम लेते हैं, तो हम साउंड कैसे निकालते हैं? हम साउंड यहाँ से लेते हैं, जैसे कि एन है तो एन को हमने साउंड में पढ़ा है ना। अब देखें कि हमारे जब साउंड निकल रहा है तो यह निप, नेस्ट, ना हमारा निकल रहा है नेट। ठीक है, तो हमने ना ना ना, यानी कि हमारे हर लफ्ज़ जो होता है वो ना के आएगा। ठीक है, तो हमने इसको कैसे पढ़ना है? एन ना निप, एन ना नेस्ट, एन ना नेट। द नेक्स्ट साउंड इज अ, ओ अ ओमन, ओ अ ओवन। अब इसमें हमारा ओ की ही आवाज़ निकल रही है लेकिन हम इसको ओ अ पढ़ते हैं। ठीक है, ओ अ ऑस्ट्रिच। अब देखिए इसमें ओ वन आया लेकिन इसमें ओ स्ट्रिच नहीं आया, ऑस्ट्रिच, ओ अ ऑस्ट्रिच, ओ आ ऑल। ठीक है, हम अब इसको ओ नहीं बोल, ऑल, ओ ओ आ ऑल। ठीक है जी, ओ आ ओवन, ओ आ ऑस्ट्रिच, ओ आ ऑल। द नेक्स्ट साउंड इज पा एंड द अल्फाबेट इज पी, पी पा, पी पा प्लैनेट। अब देखिए हमारी साउंड पा के निकल रहा है प्लैनेट, पी पा प्लैनेट, पी पा टैटोज, पी पा पार्ट, पी पा पेंसिल। ओके जी, अगेन रिपीट विद मी, पी पा प्लैनेट, पी पा टैटोज, पी पा पार्ट, पी पा पेंसिल। एंड द नेक्स्ट साउंड इज क
एंड अल्फाबेट इज क्यू. क्यू क्वा क्वार्टर, क्यू क्वा क्वेश्चन मार्क, क्यू क्वा क्वीन. अब देखिए हमारे तीनों वर्ड्स में क्वा का लफ्ज आ रहा है, को को को. क्यू क्वा क्वीन, हम इसको क्वा भी पढ़ेंगे और क्वा. अगर इस क्वा हम अगर इसको पढ़ने में पढ़ सकते हैं, बट अगर हम जब इसका साउंड लेंगे तो हमारा साउंड इसका परफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए हम इसको क्वा नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. हम इसको पढ़ेंगे क्यू क्वा क्वार्टर, क्यू क्वा क्वेश्चन मार्क, क्यू क्वा क्वीन. इसको मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया कि बहुत सारे लोग इसको क्वा भी पढ़ते हैं, तो ये क्वा में जब हम लेंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट वन इज र. आर, अल्फाबेट इज आर एंड द साउंड इज र. आर रा रैबिट, आर रा रैबिट, आर रा रॉकेट, आर रा रिंग. रैबिट, रॉकेट एंड रिंग. सो टुडे वी लर्न द साउंड ऑफ न, ना, अ, प, क्वा एंड रा. This is your home task. You write it and learn it very well. Take care of yourself. Allah Hafiz. Thank you so much.